नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाष। दोस्तों, इस साल का जो रेल बजट है आने वाला है आज से तकरीबन 8 दिनों के बाद, यानी कि 1 फरवरी को हमारे देश की जो वित्त मंत्री होगी निर्मला सीतारमण जी, वो रेल बजट की अनाउंसमेंट करेगी। और दोस्तों, रेल बजट के बाद हमारे देश के जो रेल मंत्री जी होते हैं यानी कि अश्विनी वैष्णव जी, वो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा कि बिहार या फिर देश के किस रेल जोन को कितना फंड मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि जो पैसा है वो किस मद में खर्च होगा, क्या यहाँ पे नई रेल पटरियां बिछाई जाएगी, कोई नई रेल लाइन बनेगी, कोई नई ट्रेन चलेगी, या फिर रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का वर्क होगा। ये सभी की सभी चीजें जो है वो बाद में बताई जाती हैं। दोस्तों, इस साल भी ऐसा होने जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी मीडिया रिपोर्ट छपी है जिसमें ये बताया गया है कि बिहार की जो 2 रेल परियोजनाएं हैं उनमें मुख्य फोकस इस बार रेल बजट में रहने वाला है। दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या परियोजना होगी जिसमें मुख्य फोकस होगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कॉमेंट करके आप अपनी राय रेलवे की इस परियोजनाओं के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले कि यहाँ पे सबसे बड़ा फोकस इस बार रेलवे का क्या रहने वाला है, तो वो है स्पीड अपग्रेडेशन। हमारी रेलवे चाहती है कि देश की जितनी भी रेल पटरियां हैं उन्हें 160 के लायक बनाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल के रेल बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना होते हुए झाझा तक का जो रेल सेक्शन है उसके लिए स्पेशल फंड अलॉट किया जाएगा। यहाँ पे फंड 2 प्रकार का होगा। सबसे पहले तो इस रेल ट्रैक को 160 की स्पीड के लायक बनाया जाएगा। अभी यहाँ पे 130 की स्पीड से ट्रेनें चलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक तीसरी रेल लाइन भी बनाई जाएगी, यानी कि थर्ड रेल लाइन, जिसमें आपको पैसेंजर ट्रेनें चलती हुई नजर आएगी, यानी कि झाझा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक तीसरी रेल लाइन बनाई जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा बड़ा फोकस बिहार में रहने वाला है वह है उत्तर बिहार से जुड़ा हुआ दरभंगा से मुजफ्फरपुर तक सीधी रेल लाइन बिछाने की जो परियोजना है उसे पिछले साल रेलवे ने बल दिया था, काफी अच्छा फंड मिला था। दोस्तों, इस साल यहाँ पे उम्मीद यह है कि इस साल भी काफी अच्छा फंड मिलेगा और जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो फिजिकली चालू होगा, जिससे आने वाले 4 से 5 सालों में एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी दरभंगा से मुजफ्फरपुर को। दोस्तों, इन सभी रेल अपडेट्स पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इतना ही, मेरे को जय हिंद, जय भारत।